नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपको बताऊंगा कछुए की एक ऐसी समस्या जो कि आप सब लोग फेस करते हैं। आपने देखा होगा आपके कछुए में अक्सर जो है कान के पीछे आपको सूजन महसूस होगी। सूजन या एक गांठ जैसी संरचना जो है आपको महसूस होने शुरू करेगी। यदि इस तरह की कोई आप प्रॉब्लम देखते हो टर्टल्स के केस में गांठ जैसी, तो आप उसको पैल्पेट करके देखो। वो जो पैल्पेट है जो स्पंजी टाइप का होगा, ये जो है एक इमीडिएट ऐसी सिचुएशन है कि आपको अपने जो है टर्टल्स को इमीडिएट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप इसे इमरजेंसी सिचुएशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो इस तरह की गांठ है टर्टल्स के लिए काफ़ी पेनफुल होती है। पेनफुल होने की वजह से जो है टर्टल्स खाना पीना छोड़ देता है। यही कॉम्प्लिकेशंस आगे जा करके है आँखों में इसका इफेक्ट्स आना शुरू होता है। यानी कान के पीछे गांठ तो ही है, लेकिन आगे चल के जिसकी आँखों में इन्फेक्शन आपको देखने को मिला, आँखें बंद होनी शुरू हो जाएगी। या इस गांठ की वजह से इस आपके टर्टल्स को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही आपने अपने टर्टल्स के अंदर इस तरह की गांठ महसूस की, आप इसको तुरंत अपने नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इस तरह के केसेस मेरे पास रोजाना काफ़ी आते हैं। क्लाइंट जो है कभी भी ये समझ नहीं पाता इसका क्या रीज़न है, ये गांठ किस वजह से हो रही है। वो इसको ट्यूमर से भी रिलेटेड करते हैं कि जो है ट्यूमर जैसी कोई गांठ जैसी होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम ये जो मेन रीजन्स होता है ये होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। आपने जैसे ही इस तरह की कोई गांठ या कोई ट्यूमर आपने डायग्नोस किया है, तुरंत अपने टर्टल्स को डॉक्टर के पास लीजिए चेकअप के लिए। डॉक्टर्स ने इसमें क्या करना है, मोस्टली मैं क्या करता हूँ इसमें, गांठ को एग्जामिन करने के बाद, कई बार गांठ एक तरफ होती है, कई बार दोनों साइड में भी, ये डिपेंड करता है इन्फेक्शन किस तरीके से हुआ या उसकी जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी कितना सीवियर हुई। मोस्टली इस तरह के केसेस में क्या करते हैं हम, जो गांठ वाला हिस्सा है उसमें क्या है, दो तरीके से हम इसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि गांठ को हमें सर्जिकली रिमूव करना है। सर्जिकली रिमूव करने के लिए हम क्या है, टर्टल्स को प्री एनेस्थेटिक देते हैं, यानी बेहोश करने से पहले कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ पेन किलर इंजेक्टेबल फॉर्म में भी देते हैं। एक होता है जनरल एनेस्थेसिया, यानी हमें पूरे कछुए को बेहोश करके हम इसका ऑपरेशन करते हैं। एक होता है लोकल एनेस्थेसिया, यानी जो गांठ वाला हिस्सा है केवल उस वाले हिस्से को हम जो है एनेस्थेसिया देके सुन कर देते हैं, और सर्जरी के द्वारा उस गांठ को जो हम रिमूव कर देते हैं। आपने जब आप इस गांठ को सर्जिकली रिमूव करा लिया है, आप एक स्वैब लेकर के, स्वैब लेकर के हम जो है इसको लेबोरेटरी में भेजते हैं कल्चर डायग्नोसिस के लिए, कल्चर टेस्ट के लिए। कल्चर टेस्ट में ये पता चलता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन से बैक्टीरिया की वजह से, ताकि हमें एंटीबायोटिक चूज करने में हमें काफ़ी आसानी हो। दूसरा, यहाँ से जो आपका एक स्किन का हिस्सा कट हुआ है ऑपरेशन के द्वारा, आप उसको भी लेबोरेटरी में भेज सकते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, कि वो कोई हार्मफुल ट्यूमर तो नहीं है, इन फ्यूचर्स आपके टर्टल्स के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। उसी के आधार पर फिर हम जो है आगे फर्दर इसका ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। सर्जरी के द्वारा हमने अब इसका जो है ट्यूमर्स रिमूव कर दिया है। अब रिमूव करने के बाद हमने क्या करना है, उस पोर्शन पे सूचर्स नहीं लगाने हैं, उसको जो है एंटीसेप्टिक वॉश करके उसको ओपन जो है हील अप करने के लिए छोड़ो। सुबह शाम इसमें डेली रेगुलर ड्रेसिंग होनी है। इस दौरान आपने जो आपके जो एक्वेरियम में पानी है, आपने उसकी क्वालिटी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप टर्टल्स को थोड़ी देर पानी के लिए, पानी में जब आप छोड़ते हैं खाने के लिए, क्योंकि हमने उस पोर्शंस को सूचर से कवर नहीं किया, वो ओपन है, केवल दवाई लगा करके उसको टॉपिकली आपने छोड़ दिया है। यदि पानी की क्वालिटी खराब होगी या उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तो आपके जो है उस सर्जरी वाले हिस्से में जो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए पानी की क्वालिटी का अपने एक्वेरियम में फिल्टर्स वगैरह की जो है प्रॉपर जो नंबर है फिल्टर्स का मेंटेन करें। पानी का टेम्परेचर भी जो है मिनिमम ऑप्टिमल 26 से 28 डिग्री होना चाहिए। डॉक्टर्स सर्जरी के द्वारा डिसीजन लेगा कि आपने जो है इसको ओरल मेडिकेशन देना है, इंजेक्टेबल फॉर्म में देना है या टॉपिकल फॉर्म में देना है। अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही जो है आप चलें। अपने आप से कभी भी खुद भी डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, उससे जो है आपके टर्टल्स की लाइफ के लिए खतरा है या उसको नुकसान पहुँच सकता है। हमेशा डॉक्टर्स की जो सलाह होती है उसको फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। हम क्या क्या सावधानियां रखें कि हमारे टर्टल्स में जो गांठ होती है ये हो ही ना, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हम मोस्टली ये मानते हैं कि जो टर्टल्स में जो गांठ होती है, इसलिए कान के पीछे जो गांठ आप महसूस करते हैं मोस्टली विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होती है। इसलिए अपनी टर्टल्स की डाइट में हमेशा विटामिन ए की प्रिपरेशंस आप हमेशा ओरली फॉर्म में, ओरली भी दे सकते हैं या जो फूड देते हैं फूड के ऊपर स्प्रे करके भी दे सकते हैं। विटामिन ए के लिए जो है डाइट्स में मोस्टली गाजर या स्क्वैश आप खाने को दे सकते हैं, क्योंकि विटामिन ई के बहुत अच्छे स्रोत माने गए हैं। खाने में शकरकंद, पपीता भी दें, ये भी विटामिन ई के काफ़ी अच्छे स्रोत हैं।
इनको देने से जो है विटामिन ए की पूर्ति टर्टल्स के अंदर हो जाती है। अपने एक्वेरियम के अंदर वाटर की क्वालिटी मेंटेन करके यदि आप हमेशा रखेंगे, यदि वाटर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, यानी वाटर आपका हमेशा साफ सुथरा रहेगा, क्योंकि कई बार इम्प्योर वाटर होने की वजह से आपके टैंक का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि टर्टल्स उसी में एक्सक्रीट अपना करते रहते हैं और आपने एक्वेरियम प्रॉपर क्लीन नहीं किया है, तो उस कंडीशन में जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है, बैक्टीरिया ग्रोथ होने की वजह से भी जो इस तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए एक्वेरियम के पानी की क्लीनिंग का अब विशेष ध्यान, आपके एक्वेरियम का टेम्परेचर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। एक्वेरियम के अंदर हमेशा एक थर्मामीटर होना चाहिए ताकि आप उसके टेम्परेचर को आप हमेशा फिजिकली आप नोट करते रहें, देखते रहें। जैसे ही टेम्परेचर में कोई फ्लक्चुएशन होता है आपको उसको इमीडिएट स्टेप लेना चाहिए, उसको मेंटेन करने। आप अपने टर्टल्स को एक्वेरियम में मिनिमम स्ट्रेस में रखें। कई बार क्या करते हैं, हम टर्टल्स को बार बार बहुत ज़्यादा बाहर अंदर करते रहते हैं। जब आपका टर्टल स्ट्रेस में रहेगा, स्ट्रेस में रहने की वजह से क्या हो, उसका इम्यूनिटी लेवल कमज़ोर होगा और इस तरह के जो है कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, यानी उसको स्ट्रेस में आने ही ना दें। उसका तरीका भी होता है कि कछुआ जब आपका एक्वेरियम में होता है उसको कम से कम छेड़े, यानी उसको अपनी लाइफ को पीसफुल तरीके से आप एंजॉय करें, उसको बार बार डिस्टर्ब ना करें। आपके टैंक के अंदर ओवरक्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, हो सकता है आपका जो टैंक का स्पेस है वो कम हो और उसमें नंबर ऑफ टर्टल्स आपने ज़्यादा रखे हों। नंबर ऑफ टर्टल्स ज़्यादा होंगे वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके टर्टल्स में इस तरह के एब्सेसेस जो है कान के पीछे आपको मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। मैंने जो भी आपको कारण बताए हैं यदि आप उनको फॉलो करेंगे, यानी उस तरह से जो है आप अपने टर्टल्स को इस बीमारी से बचा सकते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों के टर्टल्स इस टाइम इस बीमारी से ग्रसित हैं, या कान के पीछे जो गांठ आप जैसे महसूस कर रहे हैं वो आपके में से कई लोगों के टर्टल्स में इस तरह की समस्या होगी। तो मैंने जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताएं प्लीज़ उन्हें फॉलो कीजिए। यदि आपका कोई सजेशन है या आप इस टाइम इस तरह की सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।